नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी TSSC के द्वारा PET 2021 का परिणाम अर्थात रिजल्ट जारी कर दिया गया है, अर्थात PET के स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं और इस संबंध में एक आवश्यक सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है आवश्यक सूचना। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, RO/RO के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोज़ उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आवश्यक सूचना। देखिए, यह आवश्यक सूचना जारी की गई है और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा दिनांक 24 अगस्त 2021 को दो पालियों में आयोजित की गई। आयोग की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2021 में उक्त लिखित परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम स्कोर को प्रकाशित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। आगे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम स्कोर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेबसाइट पर जो रिज़ल्ट या स्कोर अपलोड किया गया है जिस तिथि को, उस तिथि से 1 वर्ष तक जो है यह मान्य होगा। आगे लिखा हुआ है कि सूच है कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के उपरांत भी जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपनी OMR शीट में प्रश्न पुस्तिका की सीरीज अंकित ही नहीं की गई अथवा एक से अधिक सीरीज अंकित कर दी गई हैं, इस प्रकार के समस्त अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए स्कोर कार्ड पर निरस्त अर्थात कैंसिल्ड अभ्युक्ति अंकित की गई है। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों ने प्रश्न पुस्तिका की सीरीज अंकित नहीं की अपनी OMR शीट पर, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा और स्कोर कार्ड पर कैंसिल्ड अभ्युक्ति अंकित की गई है। आगे लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों को केंद्र अधीक्षक द्वारा औपबंधिक प्रवेश दिया गया है, उनके परीक्षा परिणाम स्कोर में उनकी प्रस्थिति अर्थात स्टेटस तदनुसार औपबंधिक अर्थात प्रोविजनल अंकित करते हुए उनका परिणाम स्कोर प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए और क्या यहाँ पर जानकारी दी हुई है। आगे लिखा हुआ है कि कतिपय अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग स्तर पर जाँच के अधीन है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में जांच के अधीन अर्थात अंडर इन्वेस्टिगेशन अभियुक्ति अंकित की गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जांचोपरांत यथोचित निर्णय लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं, उनकी श्रेणी तदनुसार अनुचित साधन अर्थात अनफेयर मीन्स अंकित करते हुए उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि तदनुक्रम में उक्त परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की लिखित परीक्षा का परिणाम स्कोर आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए रिजल्ट सेगमेंट पर जाकर वांछित विवरण दर्ज कर अपना परिणाम स्कोर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आवश्यक सूचना जो है जारी की गई है UP SSC के द्वारा। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो होम पेज है UP SSC का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिजल्ट्स जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी जानकारी मांगी गई है उसको अंकित करके और आप अपना परीक्षा परिणाम या अपना स्कोर कार्ड जो है वह देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप में से जिन अभ्यर्थियों ने भी यह परीक्षा दी है, आप अपना परीक्षा परिणाम देख लीजिए, अपना स्कोर कार्ड देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।